नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24। इस समय कल्पना चावला के डायरेक्टर ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी स्टाफ नर्सिस हैं। यहां पर जो है कुछ आपस में इनका डिस्प्यूट हो गया है और जिसको लेकर ये सभी यहां पर इकट्ठी हुई हैं। बात करने का प्रयास करेंगे आखिर क्या पूरा मामला है जिसको लेकर ये यहां पर इकट्ठी हुई हैं। जी क्या हुआ है पूरा, अब यहां पर सभी इकट्ठी हुई हैं, क्या क्या हुआ है? जी उससे पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे जाने दे। एक दिन पहले मैंने उसकी मजबूरी समझी है, मैंने उसको जाने दिया। एक दिन पहले टाइम से भी पहले मैनेज किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन फिर उसने तो वो उसके बाद तो वो अकड़ ही गई है। आपका शुभ नाम? सीमा। तो आप देख क्या क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हो, क्या हुआ है? मैं स्टाफ नर्स हूँ यहाँ और पिछले 9 साल से स्टाफ हूँ। सीमा है मेरा नाम और क्लास 4 है। एक पिछले 1 महीने से ही उसने ज्वाइन किया है। उसने एक नाइट ड्यूटी में मेरे को कहा कि भाई उसकी ड्यूटी 7:30 बजे तक है। उसने 7 बजे मुझे कहा कि मुझे जाने दे। मैंने ये कहा कि कोई भी पेशेंट इमरजेंसी आ सकती है, उसमें मेरे को मैनेजमेंट के लिए आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं नहीं जाने दे सकती। उसने बैठते ही ये कहा कि किसी को फ़ोन किया है, मैं नहीं जानती किसी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा है कि भाई दुरेजे को बोलो कि इसको मुझे जाने दे वरना फिर देख लेना। उसके बाद मैंने अपने इंचार्ज को फ़ोन किया है कि भाई ये मेरे को धमकी दे रही है, अब मैं बताओ मैं जाने दूँ या ना जाने दूँ। उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने कहा अब मेरी इंचार्ज ने मना कर दिया, मैं जाने नहीं दे सकती। उसके बाद उसने कहा है कि भाई अब देख लेना आपकी ड्यूटी मैं कैसे चेंज कराती हूँ। जब अगली बारी मैं आई हूँ वहाँ ड्यूटी पे, तो मुझे मेरी इंचार्ज से मैसेज मिलता है कि आपकी ड्यूटी चेंज है। मतलब किस बिना पे मेरी ड्यूटी चेंज है, सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ड्यूटी चेंज करी है आपकी? क्या वार्ड चेंज कर दिया गया? जिस वार्ड में वो क्लास 4 होगी उस वार्ड में मैं ड्यूटी नहीं कर सकती। मैं पिछले 6-7 साल डायरेक्टर सर के पास जा रहे हैं, सुमन एसोसिएशन से वाइस प्रेसिडेंट। 3 दिन से हम डायरेक्टर सर के पास जा रहे हैं इस लड़की ड्यूटी के लिए कि भाई क्यों चेंज की गई। हमें धीरज जो यहाँ क्लर्क है, हमें डायरेक्टर सर से मिलने नहीं दिया गया और जब हम बार बार जाते हैं तो हमारे साथ अकड़ के बात करता है वो। हमें कभी भी डायरेक्टर सर से मिलने नहीं दिया जाता। जब भी हम जाते हैं, जब हमने बात करी डायरेक्टर सर से, तो हमारी बात के लिए क्लास 4 के लिए वेट दिया गया कि क्लास 4 5 बजे आएगा और एक बंदा आगे बात कर लेगा। एसोसिएशन पूरी बात करने के लिए गई तो हमसे किसी से बात नहीं करी डायरेक्टर सर ने। और फिर हमने कहा कि आप मुझे हमें कल का टाइम दे दो, तो डायरेक्टर सर ने साफ मना कर दिया कि कल तक तो बात पुरानी हो जाएगी। जब वो लड़की 5 बजे तक नहीं आ रही, जब हम वहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने टाइम दे दिया किसी पॉलिटिकल अप्रोच से कि हम कल आएंगे 11 बजे, तो हम कल 11 बजे बात करेंगे। फिर वो बात पुरानी नहीं हुई। 11 बजे फिर हमें बुलाया गया, नेक्स्ट डे हम फिर गए हैं, तो फिर हमें हर 5 मिनट का टाइम दिया गया। हर 5 मिनट का 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्लास पर 12:30 बजे आती है तो हमें तब बोला जाता कि ऊपर आओ, जबकि हम 3 बार जाके वहाँ से वापस आ चुके हैं। और फिर एक MC के साथ 4 बंदे MC के साथ आए और MC आके हमसे बात कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं हमारी अथॉरिटी हमसे बात करेगी, तो हमारी अथॉरिटी क्यों नहीं हमसे बात करती? और क्यों हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है जब हम वहाँ जाते हैं? ऐसे तो आम स्टाफ नर्स की नौकरी भी खतरे में है। क्लास 4 इतने हैवी, ना प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डालने, तो आगे से क्लास 4 हमारे आगे मिसबिहेव करके जाते हैं। हमारी किसी नर्सिंग स्टाफ के साथ ठीक से वो रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिकल अप्रोच से डॉक्टर दुरेजा हर चीज को मानते हैं। आपको क्या लगता है, बाहर से लोग इलाज करवाने भी यहाँ आते हैं, लोग रोते भी हैं, आपको क्या लग रहा है? आप तो स्टाफ के हो, आपकी नहीं सुनवाई हो रही, आम आदमी का क्या होता है? नहीं, यहाँ जो पॉलिटिकल अप्रोच से होता है, आम पेशेंट की सुनवाई होती है, पॉलिटिकल अप्रोच से ज्यादा काम होता है, हमें ये पता है। पॉलिटिकल अप्रोच से ही होता है। स्टाफ नर्सें जो यहाँ पर आप देख लीजिए, सभी के सभी जो नर्सें हैं, तो अभी आप यहाँ फिलहाल खड़े हैं, अभी आगे आपको क्या कह रहे हैं, अभी मीटिंग कोई हो रही है आपकी? हमने अभी यही बात करनी है कि पहले उस क्लास 4 को अगर अप्रोच के साथ यहाँ आए हैं, तो उस क्लास 4 को रिटर्न में माफी मांगे और ऐसे बंदों को यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोई जगह ना दी जाए जो एक पॉलिटिकल अप्रोच के साथ यहाँ काम करते हैं। क्या नाम है उनका जिनकी वजह से ये सारा? सुमन क्लास 4 है कोई कहीं से, उन्होंने पॉलिटिकल अप्रोच एट ए टाइम फोन करके कहते हैं अभी तेरी ड्यूटी चेंज करवा दी। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं? हाँ, अभी बुला रहे हैं हमें। तो हमने पहले नहीं बुला रहे थे, पहले हम 3 बार गए हैं, तो उसका वेट किया गया क्लास 4 का। क्लास 4 आया तब हुआ कुछ ऐसा मे बी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी के सभी स्टाफ नर्स हैं, वो यहाँ पर विरोध करती नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से ड्यूटी जो है एक स्टाफ नर्स की बदल दी गई। आपस में डिस्प्यूट इस बात को लेकर हुआ कि एक स्टाफ नर्स दूसरी स्टाफ नर्स को कहती है कि अभी आप जा नहीं सकते हैं, और ऐसे में फिलहाल उनका कहना था कि नहीं उन्हें कहीं जाना है, तो वो को एक कॉल करवाती हैं, जिसके बाद जो है यहाँ पर एक मुद्दा बनता है जिसमें बताया जा रहा है कि जिन्होंने मना किया था जाने से, उनकी जो है तबादला दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। और ठीक है, जैसे ही ऊपर
पर कुछ होता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, आज या तो हमारी सुनी जाएगी नहीं तो फिर हम धरना देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिलहाल ये कहा गया है कि अगर हमारी सुनवाई होती है तो यहाँ पर जो है फिलहाल वो ड्यूटी पर जाएंगे, अदरवाइज वो धरना देंगे। और इस समय आप देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफिस बिल्कुल यहीं ऊपर की तरफ ही है और कल्पना चावला के इस समय हम कैंपस में खड़े हैं जहाँ पर फिलहाल स्टाफ नर्सों ने यहाँ पर खड़ी हैं अपना काम छोड़कर, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लगभग इतने समय बाद भी जो है डायरेक्टर जो है वो हमें बुलाते नहीं है। लेकिन अभी डायरेक्टर साहब जो है वो फिलहाल उन्होंने बुला दिया है, क्योंकि जब मीडिया कवरेज के लिए पहुंची थी तो तब डायरेक्टर जो है उन्होंने मौके पर उन्हें बुला लिया बात करने के लिए। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि अगर बात सुलझती नहीं है तो वो इसे लगातार जो है वो ऐसे ही अपनी ड्यूटी को छोड़कर यहाँ खड़ी रहेंगी। तो फिलहाल जो है आपसे प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टाफ नर्सेज जो हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं और मुद्दा बन गया एक, जिसमें दो स्टाफ नर्सेज की आपस में इस बात को लेकर कि एक स्टाफ नर्स जो है वो ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी हो रही थी तो उसे मना किया गया कि अभी ऑफ ड्यूटी आप नहीं हो सकते, लेकिन उसको लेकर उनका कहना कि कोई कॉल करवाते हैं उसके बाद उनकी जो है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में उनको शिफ्ट करवा दिया जाता है। तो उनका कहना है कि अगर काम अप्रोच से ही होने हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई जिसमें ये चीज़ साफ तौर पर खुलासा जरूर हुआ है आज, जो हमेशा से हम कल्पना चावला के बारे में बोलते हैं जिसमें ये चीज़ आती है कि यहाँ काम होते हैं तो पॉलिटिकल पावर वाले के ही होते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपने जूते रगड़ते रह जाएंगे। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे आप IN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।